हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हैशटैग मैं भी चौकीदार पर बोली नजीब की माँ, मोदी जी आप चौकीदार है तो बताइए मेरा बेटा कहाँ है। कांग्रेस के चौकीदार चोर है के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने इस कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इससे पहले ये नाम नरेंद्र मोदी था। पीएम मोदी ने अपने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए ट्वीट कर कहा, आपका चौकीदार दृढ़ होकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला हर कोई चौकीदार है। भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर कोई चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार। पीएम मोदी का ये कैंपेन सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। इस कैंपेन को जहां कुछ लोगों का समर्थन मिल रहा है, वहीं कुछ लोग इस कैंपेन को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बना रहे हैं। कुछ लोग इस कैंपेन के तहत पीएम मोदी से सवाल भी कर रहे हैं। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की माँ फातिमा नफीस ने इस कैंपेन के तहत पीएम मोदी से सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर आप चौकीदार है तो मुझे बताइए मेरा बेटा नजीब कहाँ है। एबीवीपी के गुंडों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 3 शीर्ष एजेंसियां मेरे बेटे को खोजने में नाकाम क्यों रही। बता दें कि 16 अक्टूबर 2016 को बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर नजीब अहमद से मारपीट की थी, जिसके बाद वह गायब हो गया था। फातिमा नफीस पिछले 2 सालों से भी ज्यादा समय से अपने बेटे की तलाश में दिल्ली के चक्कर काट रही है। इस दौरान वह शासन से लेकर प्रशासन तक से मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक नजीब का कुछ पता नहीं चल सका है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।